सो देन आई टोल्ड हिम कि भाई तू माइक ऑफ कर दे, जब मैं जाऊंगा ना तब ऑन करना. Shut up. Right, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chal raha music chal raha. Happy birthday, dear Shahru. Nice. Nice. Thank you, girls. Thank you. Hold on. All the tables are safe. Amazing. Thanks. बहुत धन्यवाद. Thank you very much आप सबका. ऐसा जब भी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे तो लगता है यार रुलाओगे क्या. Thank you very much. God bless you all for being here and I hope you enjoyed the trailer. और जो पीछे भी बैठे मुझे सब दिख नहीं रहे. But yeah, thank you girls and all the boys. God bless you. Thank you यार. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. और बाकी सब बातें होती रहेंगी. I think एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भवा यहाँ पर नहीं आ सके. वो मेरठ में ही हैं तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखकर भेजी है तो मैं वो चिट्ठी पढ़कर आपको सुना देता हूँ. उन्होंने अपना गमछा भी देकर भेजा मुझे, उससे मैंने अपनी शर्ट बना ली, कच्छा भी दिया लेकिन वो मुझे फिट नहीं आया. सो मैं उनका ख़त है आपको पढ़कर सुनाता हूँ. मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो. थोड़ा लंबा है दिल में, थोड़ा पेशेंस रखिएगा. मुझे पता नहीं शाहरुख खान को लिखी मेरी ये चिट्ठी कौन पढ़ने वाला है, पर जो भी पढ़ने वाला है वो ज़रा बाबुलंद आवाज पढ़े, क्योंकि खान साहब आप आसमान से बस थोड़ा ही नीचे हैं. सच बहुत बोलता ही है. और मैं ज़मीन से बस थोड़ा ही ऊपर, आप तक मेरी बुलंद आवाज़ ही पहुंच सकती है. आज सुबह ही मेरठ के अखबारों से पता चला कि जन्मदिन है आपका, तो सोचा कि आपको हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया कर दूँ जो सिर्फ आपने हमें दी है. मोहब्बत में अदा लाने के लिए शुक्रिया, पुल पे बाहें फैलाने के लिए शुक्रिया, कि
किरण को किरण बुलाने के लिए शुक्रिया, बाल माथे पे गिराने के लिए शुक्रिया, चलती ट्रेन की छत पर गाना गाने के लिए शुक्रिया, और गर्लफ्रेंड और उसकी माँ को बराबर का प्यार बांटने के लिए शुक्रिया। बस यूं समझ लीजिए कि आपके अपने होने के लिए शुक्रिया। खान साहब, आप में और मुझ में कुछ एक जैसा नहीं है, पर उम्मीद करता हूं कि जब भी मिलें एक दूसरे में बहुत कुछ ढूंढ लें एक जैसा। आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम बउआ सिंह है और मैं सिर्फ मेरठ का हूं नहीं, मैं खुद मेरठ हूं। मैं सहारनपुर हूं, मैं जैसलमेर हूं, मैं त्रिची हूं, इंदौर हूं, अमृतसर हूं, इस देश का हर चौराहा हूं, कस्बा हूं, पान की दुकान हूं, आपके सामने नीले सूट में बैठी लड़की हूं, लाल शर्ट पहना वाला लड़का हूं। आप शहर हैं तो मैं गांव हूं, आप बादशाह हैं तो मैं फकीर हूं। एक और बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, थोड़ा सा आपका, बाकी पूरे देश का बउआ सिंह। सो थैंक यू बउआ सिंह, वो यहाँ पर नहीं है। और अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को सवाल जवाब भी करने हैं। ट्रेलर सबको आई उम्मीद है कि अच्छा लगा, अब नहीं भी लगा अब तो बाहर आ गया, अब तो कहना ही पड़ेगा, यहाँ बैठे कोई तो ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं इन्वाइट करना चाहूँगा स्टेज पर, सबसे पहले शुड आई कॉल आनंद सर? ओके, ऐसा हम एज बिफोर ब्यूटी कर रहे हैं आज। सो सबसे पहले मेरे बहुत ही करीब दोस्त बन चुके हैं ये दो ढाई साल में, दो लोग हैं इस फिल्म में, एक हिमांशु और एक आनंद सर, जो मुझे दो ढाई साल पहले मिले और उनका एक ख्वाब था कि एक फिल्म बनाएं जो एक वर्टिकली चैलेंज्ड पर्सन के ऊपर है, और एक लड़की के ऊपर है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी है, और एक और एक लड़की के ऊपर है जो इमोशनली इनकम्प्लीट है। और मुझे इस बात में बहुत 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 फ़ख्र है कहने का कि इन दोनों का बिलीफ है जो आज ये पिक्चर, ट्रेलर आप देख रहे हैं, फिल्म आप देख रहे हैं, हम सब जितने भी लोगों ने इस फिल्म के अंदर भाग लिया है, और मैं लड़कियों के तरफ से भी ये कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं पर हम सब का कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस टूटा ज़रूर। हमको कभी कभी लगा कि यार ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन विजुअल इफ़ेक्ट्स टीम का, लेकिन दो इंसान हैं, अगर वो ना होते जिन्होंने ख्वाब नहीं देखा होता तो ये फिल्म कभी नहीं बन पाती। और इस वक्त भी बैक स्टेज जब हम खड़े हुए हैं, बीच में कटरीना का कॉन्फिडेंस टूटा, फिर उसके बाद अनुष्का का टूटा, फिर मेरा तो टूटता ही रहता है, हम अल्फाबेटिकली भी नहीं जा रहे, हम बस अपने कॉन्फिडेंस टूटता रहता है, तो ये दोनों जो हैं हमें संभाले रहते हैं, और सिर्फ अपनी फिल्म से नहीं, उस कॉन्फिडेंस से नहीं, अपने प्यार से, अपने दुलार से, और हमको बार बार गले लगा के। सो पहले मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म नहीं होती, ये फिल्म नहीं होता तो हम तीनों एक्टर्स का और बाकी सारी टीम का जो कलर येलो से है और रेड चिली से है और जितने भी लोग हैं, बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 2-3 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। सो प्लीज़ द राउंडेस्ट राउंड समझ गए ना यार? loudest round okay, loudest round of applause for the man who's made this dream come true, and he's genuinely more than a director, he's a brother, he's a friend, a father figure, aur set ke official halwai bhi hain. So please call on stage the one and only Anand L. Rai. और हमारी सारी टीम यहाँ सामने बैठी हुई है और सब आनंद सर के बारे में यही समझते हैं। अब मैं उनको आमंत्रित करूँगा जो तो हमारी खूबसूरत लड़कियाँ हैं और जेन्युइनली बहुत डिफ़िकल्ट रोल्स हैं दोनों के दोनों। आनंद सर ने जब शुरुआत की थी, जैसे मैंने कहा, बिलीफ हमेशा एक आदमी का होता है, बाकी सब लोगों को उसके साथ जुड़ना होता है। सो दे वर ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सबको कभी ना कभी लगता था कि यार ये सही जा रहे हैं, ऐसा करूँ नहीं करूँ, there are so many issues actors have, stars have, me the most of them. I'm insecure at times, I'm overconfident at times, I'm happy at times, I'm extremely sad at times, I'm happy with what I've done, I'm even happier and sadder what I shouldn't have done and what has gone out of my hand, what has come into my hand, and all these things come together and make you feel loved when you do the right film. And these two girls, I'm sure, they've never expressed because they've been my friends for years and I love them the most, honestly. मेरे बहुत हैं दोनों, बहुत करीब, इतने करीब हैं कि इनको मैं डांट भी सकता हूं
और मैंने डांटा भी है, उसके लिए भी माफ़ी मांगूंगा पर्सनली, आपके सामने नहीं. एंड आई वुड लाइक टू कॉल बोथ ऑफ देम ऑन स्टेज, बिकॉज इफ इट वॉजेंट फॉर देम, जेन्युइनली जेन्युइनली दीज रोल्स आर सो डिफिकल्ट, सो डिफरेंट, एंड यू नो कैन मेक यू वेरी वेरी शेकी एट टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दे रियली एसेड इट ब्यूटिफुली विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लव, मोस्टली फॉर आनंद सर, फॉर हिमांशु एंड देन मी. सो प्लीज गिव अगेन द लाउडेस्ट राउंडेस्ट लाउडेस्ट वट एवर फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. वन क्वेश्चन सर, हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, सिंस इन टूडेज जनरेशन यू नो मेनी पीपल हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, स्पेशली द टीनेजर्स एंड यू नो द पीपल इन देयर अर्ली 20s. सो हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बिकॉज यू मस्ट बी हैविंग सो मेनी इश्यूज सर. आई एम सॉरी, कैन आस्क यू अ क्वेश्चन? व्हाई हैव वी स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन? लाइक वी आर ऑन अ हेल्थ फोरम, पहले हम लोग मतलब किसी लाइक हेल्थ फोरम में बात करने आए हैं यहाँ पे. पहले मुश्किल चीजें खत्म कर ले, फिर कुछ हंसी मजाक भी कर ले. ये ट्रेलर देखने के बाद आप स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं? स्ट्रेस हो गया कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है ना, बहुत कलरफुल है. ओके, बाकी बोल रहे हैं हमारी, बोल देता हूँ मैं यार, कुछ ऐसा नहीं है. हमेशा मैं फलसफे की बात कर देता हूँ. तुम यंग हो एंड यू आर सेइंग दिस, सो आई शुड टेल यू गुड थिंग्स. आई शुड नॉट मेक लाइट ऑफ दिस. स्ट्रेस एंग्जाइटी हर चीज़ होती रहेगी लाइफ के अंदर, और वो कभी कम नहीं होगी. आप ये मत समझना कि स्कूल में है कॉलेज में कम होगी, कॉलेज में है नौकरी में कम होगी, नौकरी में है शादी में कम होगी, बच्चों में है पर बच्चों में नहीं होगी. ऐसा हर जिंदगी में हर कुछ जगह पे स्ट्रेस आएगा. लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे दिल के करीब है, फिल्म का डायलॉग नहीं है. जेन्युइनली मैं आज 53 इयर्स का हो गया हूँ, तकरीबन आधी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो चुकी है, और ये मेरी लाइफ का फ़लसफ़ा है. उस जॉब में हूँ जहाँ पे हमेशा हर फ्राइडे ज़िंदगियाँ बदलती हैं, बनती हैं, टूटती हैं. मेरी खुद की फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत ख़राब बनी हैं, बहुत दुख हुआ है, बहुत हंसी आई है, बहुत चोटें लगी हैं, कुछ चीज़ें सही हुई हैं, बहुत सारी गलत हुई हैं. आज भी शायद 70 फिल्मों से शायद 30 ही फिल्में मेरी चली होंगी. ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस रेट है, और हर बात पे दुख होता है, हर बात पे खुशी होती है, बट वो फिल्म की लाइन है, अंत में सब ठीक हो जाता है. सो यू हैव टू रियली रियली बिलीव, एंड आई रियली बिलीव इन दिस. और ये जेन्युइन बात है, दिल में रखना ये कि अंत में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर ठीक ना हो तो वो अभी अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. और ये सच्ची बात बता रहा हूँ. शाहरुख खान का बर्थडे है, सबसे पहला सारे विश कर देते हैं हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान. शाहरुख जी, सबसे पहला यह जानना चाहूंगा, पीटीसी पंजाबी पंजाब तो आया स्पेशली, ते आज सवेर तो लेके हजे तक अपने जन्मदिन की किया उठन तो बाद यार, मैं अभी ना मैं किसी को बोल रहा था कि मेरे को ना ऐसा लगता है ज़िंदगी के अंदर कुछ भी चीज़ ओन नहीं करनी चाहिए, मतलब अपनी नहीं होनी चाहिए. और मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरा जन्मदिन भी अब मैं ओन नहीं करता हूँ. तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ना घर वालों से मिलता हूँ, नहा लेता हूँ क्योंकि अच्छा होता है जन्मदिन के लिए नहाना. इट्स अ गुड थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर ऑन योर बर्थडे टेक अ बाथ, अदरवाइज तो जुम्मा जुम्मा ही होता है मेरा. सो आई टेक अ बाथ ऑन माई बर्थडे, एंड मैं जाके सिर्फ लोगों से मिलता हूँ. आप लोगों से मिलने का मौका आज फिल्म की वजह से मिला, अदरवाइज भी मिलता मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं यार स्पेशल. सिर्फ मैं लोगों को मिलता रहता हूँ, और बहुत खुशी होती है बिकॉज इतने सालों बाद भी इतने सारे लोग मुझे अभी भी प्यार कर रहे हैं मेरी हरकतों के बावजूद भी. सो इट्स नाइस. शाहरुख जी, उस तरफ पीछे फोर्थ रो. आपकी जो प्रोडक्शन की कहानियां हैं हम देख रहे हैं, एक दो सालों से देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत और आम आदमी की जीत की कहानी होती है. तो जैसा कि इस फिल्म का टाइटल है जीरो, और जिस तरह की फिल्म है ट्रेलर से हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो ये एक आम आदमी की जीत की कहानी है या उसकी हार की कहानी? सर क्वेश्चन जीरो पे, लेकिन पांच मार्क का क्वेश्चन है. पांच मार्क्स का हाँ, ये यहाँ इसमें एक ही फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व होगा. तो वो एक फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए. नहीं, ये बिल्कुल जीत की ही कहानी है. इसका टाइटल जीरो भी इसी वजह से ही है कि हम लोग बहुत सारे उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि ये कुछ नहीं है, और उसमें बहुत कुछ होता है. वो रिश्तों में भी मैं गिनता हूँ कि कई बार हम रिश्तों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लोगों को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो फॉर ग्रांटेड ना लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान को या किसी भी रिश्ते को.
तो ये एक इंसान की जीत की ही कहानी है जो खुद से लड़के अपनी अपनी विक्ट्री पे निकलता है। हेलो साक्षी देसाई, हेलो फ्रॉम वेयर आर यू नाउ? ओके, हैप्पी बर्थडे शाहरुख। थैंक यू साक्षी। माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट लाइक जीरो एंड व्हाई? डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सी एज जीरो, एज इन लाइक यू ऑल आर वेरी सक्सेसफुल, so when was the last time when you felt like a loser? Because like most of us feel that oh, you people don't have any problems in your life, but I'm sure it's not the case. So what was, when was the last time you felt like a loser or like zero as we call it? मैं हर बात पे loser feel करता हूँ यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। मेरे को, मैं अपने एक परसों दोस्त के साथ था जो बहुत famous और I think हमारे देश के सबसे बड़े actor हैं, आमिर के साथ, और उसने मुझसे यही सवाल पूछा कि तू ऐसा क्यों है शाह, ऐसा क्यों करता रहता है तू, सोच क्यों रहा है ऐसा तू? और फिर मुझे मालूम पड़ा बात करते करते कि वो भी ऐसा ही सोच रहा था। तो वो मुझसे इसलिए नहीं पूछ रहा था सरप्राइज से, वो इसलिए पूछ रहा था कि आंसर चाहिए था कि मैं क्या करूं। तो क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, दोस्त है, ये दोनों दोस्त हैं, आई थिंक आनंद सर दोस्त से भी ज़्यादा हैं, भाई हैं। आई थिंक सबको यार कभी ना कभी हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन में जहाँ पे आप ज़ीरो फील करते हो। जैसे छोटी सी बात बताऊंगा, जैसे अगर अपने बच्चे के साथ बैठे हुए हो, अभी मैं अब्राम के साथ बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने उसको कहा मेरे पास बैठ, फिर वो बैठा नहीं, मेरे पास चला गया। तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्याल आए कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने इसको मोहब्बत नहीं दी, कैसा तो नहीं मैं फिल्मों में ज़्यादा टाइम लगाता हूँ अपने बच्चों के साथ, मैं टाइम नहीं लगा रहा। और एक दिन मेरे को ये खड़ा होगा एक लड़की के साथ और कहेगा कि काट के, क्या वो काट के कालीन में हीरों के पैबंद नहीं लगाए जाते, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुमको। जमींदार साहब, तो मुझको बहुत लूजर फील किया मैं उसको यार। फिर मेरी बीवी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बाकी दो बच्चे भी यही समझते हैं, फिक्र मत करो। सो मैं यार बहुत बहुत हर चीज़ में ऐसा फील करता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आई रियली बिलीव दैट। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस इज अ वर्स थिंग देन फीलिंग लाइक अ लूजर। आई थिंक एक्सट्रीम्स तो वैसे नहीं होते, तो लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज़्यादा होती है। I just feel I work harder when I think I'm not good enough. I always feel I'm not good enough. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, उल्टा मैं बहुत चीज़ें मजाक में कह देता हूँ, मुझे नाचना नहीं आता, मेरे पांच एक्सप्रेशन हैं। मैं जेन्युइनली ये बातें मानता हूँ कि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। सो देर इज़ अ क्लोजनेस एंड प्रॉक्सिमिटी टू जीरो। शाहरुख जी आपके राइट में, शाहरुख जी किधर किधर आपके राइट में, शाहरुख जी, शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीजर आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या? आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का? सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स टुगेदर। मैं जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है, यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा। मालूम है कहाँ बैठा हूँ मैं, तो शर्म नहीं आ रही है सवाल करते, जानता कौन है ये? इसीलिए तो पूछा। ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं? शर्म आनी चाहिए तुझको। Maybe we move to our next question. Can we all, okay? Listen, ladies and gentlemen, can we also stick to the questions of the film? आप तो अपनी ज़िंदगी के सारे issues जो हैं उन पे सवाल पूछ रहे हैं। सर आपका सवाल फिल्म पे है, बताइए। हेलो, एक्चुअली ये मैं सवाल जो है ना, मैं थोड़ा सा बोलूँगा, बट आई वुड जेन्युइनली टेल आनंद सर टू टेल यू, क्योंकि ना यार ये जैसे सर ने लिखी है हिमांशु के साथ और हेमल हमारे जिन्होंने एडिट की है, जो मेन क्रिएटिव फोर्स है इस फिल्म की, उन सबका जो एक बहुत अलग सा टेक है यार मोहब्बत पर। बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत इंटेंस लोग हैं और मोहब्बत में जेन्युइनली मानते हैं। लेकिन और मैं ये बात कह रहा हूँ, हमारी और भी क्रिएटिव अजय अतुल यहाँ पे हैं, इरशाद भाई यहाँ पे हैं, बॉस्को, बहुत सारी टीम है जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया है, चाहे वो गाने में है, लिरिक में है, डांस में है,
हमने लाइनों में है, एक्टिंग में है, जोन में है, जो भी चीज़ों के अंदर, यार ऐसी मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है मैंने अपने 27 सालों में नहीं किया है. सो इट्स अ वेरी डिफ, मैं बोलूँ उसको तो छोटा हो जाएगा, मैं बोलूँगा बड़ी इंटेंस है, बड़ी शिद्दत है, बड़ी कमाल की मोहब्बत है, बहुत फैलाव की मोहब्बत है. आई थिंक थोड़ा सा मैं उसको छोटा कर दूंगा, बहुत असली मोहब्बत है यार. और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो मैंने की, मैं सीन बोल नहीं सकता बट और ये भी बताऊंगा मैं, हमारी बाकी टीम में भी यहाँ पे बहुत सब लोग हैं, राहुल दा, मनु, बहुत लोग हैं हमारी टीम. कई बार वो सीन देख के उनको भी लगता है ये होना नहीं चाहिए सर, ये कैसे पुश कर रहे हो आप, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए. और कई बार ये भी बोला गया है, मैं बताऊँगा कि शाहरुख खान से तो थोड़ा सा लोगों को एक्सपेक्ट, बट ये बहुत असली मोहब्बत है यार. सो इफ़ आई वॉन्ट टू से कि चांद तारे वाली मोहब्बत है, आसमान वाली मोहब्बत है, जुपिटर सैटर्न वाली मोहब्बत है, पानी के अंदर चले जाने की मोहब्बत है, मर जाने की मोहब्बत है, फना हो जाने की मोहब्बत है, एक्चुअली इन सब मोहब्बतों से जो असली मोहब्बत है वो ज़्यादा बड़ी होती. सो आई थिंक इसमें बहुत असली मोहब्बत है. और मैंने कहा था बहुत कम बात करूँगा तो इसलिए मैंने बहुत कम बात की. One second. There's a question. I want to ask a question to the ladies. Okay. After watching the trailer, दो सवाल हैं. मैं आप दोनों से individually पूछना चाहता हूँ. Katrina, I've seen you play so many roles. लेकिन जाता हूँ. Okay. I've seen you play so many roles. ओके खूबसूरती छुपी रहे अच्छा थोड़ा लगता है यार. हाउ इज इट टू प्ले योर ओन प्रोफेशन ऑन स्क्रीन, व्हाट यू आर इन रियल लाइफ, वो रियल लाइफ से रियल लाइफ पे लेके आना वो मुश्किल था, वो वाज जस्ट लाइक वॉक इन द पार्क. सो द प्रोफेशन इज द सेम एज इन आई एम प्लेइंग एन एक्टर इन द फिल्म एंड आई एम एन एक्टर इन रियल लाइफ, बट the personality of the character is not at all like me. I think I'm fairly well behaved and a fairly sensible person. And okay, theek hai. And this character, the character's name is Babita in the film, and I think what Anand sir kind of, and your real name is Katrina. Such. And I think, honestly, for me, it was just such an incredible experience working with Anand sir. The journey he took me on in this film was really unexpected for me. But most importantly, it was new for me. And every day I felt like I was learning something. Every day I felt like I was scared. Every day I felt like, what are we doing here? You know, what is Anand sir doing with me? And do I trust him? Do I not trust him? But at least I felt he was there with me every step of the way. And he was trying... we were trying together to create something new and something hopefully different and special. So for me as an actor, as a performer, I learned a lot in the film, and it was an experience which I gained from tremendously. And I forgot what your question was. That's okay. Anushka, I've known you for 10 years almost now, okay? 10 saal ho gaye, 2000. No idea who you are. Right from the time that you debuted. Listen, I know this, okay? You just have this energy, जिसके वजह से आप सामने वाले को भी nervous कर देती है, because तू oldest lines use कर रहा लड़कियों के साथ. नहीं नहीं नहीं. मैं 10 साल से जानता हूँ जो तुम्हारी energy है, positivity है, सब भाई नहीं बन, आजकल नहीं चलता. नहीं नहीं नहीं. I know what you're talking about. She has this kind of bubbly and nervous energy. You feel nervous, yeah? Yeah. So that used to happen to me. I used to think, you know, yeah. What do I have to do next? But then I just realized you just have to look, just enjoy, just take it all in, and then you'll be fine. So imagine. Always entertaining. आपको आनंद सर कहते हैं कि तुम ही एक फिल्म कर रहे हो जहां पे तुम्हें बैठना है अनुष्का, यू आर नॉट मूविंग टू मच एक्सेप्ट द चेयर ऑन व्हिच यू आर, व्हाट वाज द थॉट? आई मीन यू नो आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर हु हैज अ सेरेब्रल पॉल्सी, सो इट वाज समथिंग दैट आई रियलाइज दैट वाज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज द ओनली वे आई कुड इमोट एवरीथिंग आई वाज फीलिंग was and emote so much, I mean my character really goes through like these ups and downs in the film, was by just really being centered and being on that chair and kind of not moving. In fact, I used to come on set and just be there and only get up jab agar mujhe you know lunch khane jana tha wapas, main usi chair ko ghumati rehti thi pure set mein, so I get used to it. And I think
एज एन एक्टर आप चाहते हैं दैट यू गेट अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ करने को मिले, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस फिल्म से ये अपॉर्चुनिटी मिली. दैट वॉज माई बिगेस्ट रीजन टू वॉन्ट टू डू दिस फिल्म, अपार्ट फ्रॉम यू नो वॉन्टिंग टू वर्क विद आनंद सर एंड शाहरुख अगेन एंड कटरीना. बट इट वॉज दिस बिकॉज मेरे को लगता है कि ये इस फिल्म में मैंने कुछ ऐसे करने की कोशिश करी है जो मेरे लिए मुश्किल तो था बट एट द सेम टाइम इतना रिवॉर्डिंग था कि मैंने थोड़ा सा अपने आप को एक ऐसी जगह में कभी कभी पाया कि मैं इतना चैलेंज फील कर रही थी कि लाइक यार ये मैंने करा शुड यू नो द डाउट दैट इवन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि यार मैं कर पाऊंगी ये बिलीवेबल लगेगा एंड आई वुड कीप टेलिंग हिम ऑल्सो यू नो शाहरुख कैन आई टेक अनदर टेक आई डोंट थिंक इट्स ओके एंड ही बी लाइक यू आर फाइन मे बी यू आर फाइन इट वॉज लुकिंग फाइन एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे लग रहा है आना सर मैं वापस कर लूँ एंड आई डोंट एवर फील सो नर्वस ऑन सेट्स यू नो यूजली जितनी ज़्यादा मैं यहाँ पे इस फिल्म पे थी. सो आई एम सॉरी अगर मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेस्टर भी किया. सर माइक पे एक सेकंड ये लीजिए. सुरेंद्र तुम्हारी वजह से आज समझ खान साहब आज समझ में आया राइट कास्टिंग क्यों है अनुष्का, क्योंकि ये बबली और चर्बी है इसलिए ये वहाँ बैठ सकती थी. ये मेरे को अभी जेन्युइनली अभी समझ में आया कि इट्स अ राइट. एक्चुअली एक सच बात बताऊँ, मैं अमूमन अभी जब मेरे को फिल्मों में पिछले 7-8 साल से लोग रोल ऑफर कर रहे हैं ना डायरेक्टर्स आके, उनका एक अजीब सा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बात यार, बात कर ले जरूरी फोन तो नहीं है सर, हाँ गर्लफ्रेंड का तो कर ले सब सुनेंगे. तो मुझको ना हर कोई आके ये बोलता है सर आपके लिए पिक्चर चाहिए लेकिन हमें शाहरुख खान नहीं चाहिए, तो ऐसा हो जाओ ये हो जाओ वो हो जाओ. तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार नहीं चाहिए तो फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो, आके मुझे बोलते हो ऐसा कुछ एक नया करेंगे. एक तो ये ना री इन्वेंशन का जो चक्कर है ना यार, बड़ा ही बोरिंग और बकवास है एकदम बिल्कुल. एक बार इन्वेंट हो गया तो हो गया, बार बार थोड़ा करते रहेंगे कि हम लोग प्लेन को री इन्वेंट कर देंगे ये कर देंगे. दिस इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट अ डायरेक्टर इज नॉट ओनली नॉट वॉन्टेड मी, ही इज नॉट ऑल्सो नॉट वॉन्टेड द हीरोइंस इन द फिल्म. सो आई विल टेल यू दिस, इनकी जो नेचर है कि ये बबली हैं जैसा आपने कहा और आउट गोइंग और वॉट एवर, इसको एकदम स्थिर कर दो, मेरे को इतना लंबा हूँ छोटा कर दो. और कटरीना जो कर रही है जेन्युइनली, आई टेल यू समथिंग अबाउट कटरीना बिकॉज शी डजंट स्पीक टू मच आउट एंड यू नो वी जस्ट नो हर अनफॉर्चुनेटली यूनिक डायमेंशनली हम लोग क्योंकि मैं दोस्त हूँ इसलिए शायद बोल सकता हूँ. शी इज एक्सट्रीमली इमोशनल बट शी हाइड्स इट वेरी वेल एंड शी इज बीन एबल टू डू दैट फॉर ईयर्स ओनली विद पर्सनल फ्रेंड्स. शी इज लाइक दिस टू बी एबल टू इन्वोक दैट आउट ऑफ समवन हु इज वेरी डिग्निफाइड वेरी क्लियर हेडेड एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्वाइट स्ट्रिक्ट. ये ठीक है आई एम श्योर ब्रेकफास्ट टाइम पे करती है, मेरी तरह हफ्ते में नहीं नहाती ज़्यादा नहाती है, ये सब हैं इसके करते हैं. एंड बोथ ऑफ देम आर कम्प्लीटली कॉन्ट्ररी टू वॉट परहैप्स दे आर इन रियल लाइफ एंड आई थिंक फॉर एन एक्टर दैट बिकम्स द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर द डायरेक्टर. एक्चुअली दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि अच्छे स्टार मिले हम तीनों से वो करा लें जो हमको करना आता है, लेकिन फॉर हिम जो नहीं एकदम कम्फर्ट जोन से निकाल के हाउ अनकम्फर्टेबल and how difficult it must have been for him and his team to pull this off every day with three stars who worked for 15-20 years and who know their bone and they know it and they know how to do it and to say bilkul nahi karaunga and to continue convincing us every day for about 100 days. What was the first conversation that Anand sir had with you, like pehli baar jab mile unhone aapko bataya, what was the first thing jo conversation thi? You know bahut emotional baat thi, baithe मैं आनंद राय का नाम बहुत सुना था, हिमांशु जी का बहुत सुना था, दोनों बैठे और एक ऐसा खाली सा मोमेंट गया. फिर उन्होंने कहा तुम्हारे घर में गोलगप्पे हैं? तो मैं कहा जी नहीं. okay. मैं टिक्की है टिक्की? मैं कहा नहीं. भेल सेव पूरी? मैं कहा नहीं. इसे अगली मीटिंग नरेशन की अब मेरे ऑफिस में हुआ करेगी. ये इनके पहले शब्द थे मुझको. हाँ. जैसे ही उन्होंने ये कहा, हाँ. मैं कहा ये पिक्चर तो करनी है यार, ये वाली नहीं छोड़ूंगा मैं. बट ही जस्ट सेड एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली, मैं आपसे वो सब छीन लेना चाहता हूँ जो आपकी स्ट्रेंथ है, और मेरे पास एक फिल्म है और मुझे 1.5 पेज या 2 पेज के अंदर हिमांशु ने कहानी सुनाई और मुझे लगा कि मैं लूटने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आ गया यहाँ पे. मैं कहा लूट लो मुझको. वाओ ऑल राइट. We move to the questions from the audience. Sir, आपका एक yes ma'am, आपके एक okay wait, we'll come to the lady and then we'll come to you sir. सर ये जैकेट फिट कैसे आ गई आपको? Yeah. Sir.